मिर्जापुर विंध्य कॉरिडोर प्रगति का कार्य इन दिनों काफी मंद गति के चलते देख जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने विंध्य कॉरिडोर का औचक निरीक्षण करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर से कॉरिडोर निर्माण मंद गति से चलने का कारण जाना। कार्यों में तेजी लाने को लेकर डीएम दिव्या मित्तल ने कार्यदायी संस्था को मार्च तक मुख्य मुख्य कार्य पूरे करने के आवश्यक निर्देश भी दिया। डीएम दिव्या मित्तल ने बताया कि विंध्य कॉरिडोर में लगने वाला नक्का सीदार पत्थर राजस्थान से मंगवाया जा रहा है और इन पत्थरों को आने में वहीं से ही देरी हो रही है। प्रोजेक्ट मैनेजर को वहां भेजकर पत्थर भेजने वाले कार्यदायी संस्था से बात कर तेजी लाई जाएगी। अभी फिलहाल चैत्र नवरात्र को लेकर विंध्य कॉरिडोर का मुख्य कार्य समय रहते पूरा किया जाएगा। मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट। इस कार्य का जो कंप्लीशन डेट है वो दिसंबर 2023 है। जो मार्च में हम चाह रहे थे वो ये चाह रहे थे कि श्रद्धालुओं के, क्योंकि हमारा चैत्र नवरात्र पड़ेगा, तो हम चाह रहे थे कि उनके पहले जितना यथासंभव कार्य पूर्ण हो जाए जिससे उनको कोई समस्या ना आए। और हमारे कार्यदायी संस्था ने और सब लोगों ने मिलकर काफी काम आगे बढ़ाया है। पूरा काम तो पूरा नहीं हो पाएगा, परंतु नराते तक हमारी इनसे ये अपेक्षा है कि जहां जहां पर भी श्रद्धालुओं को जाना है वो मार्ग और वो जगह पूरी तरह से ठीक हो जाए ताकि श्रद्धालुओं को हमारे कोई समस्या ना आए। इसके अतिरिक्त इस वक्त हमारे कार्य में काफी तेजी से काम चल रहा है। हम लोगों को समस्या जो आ रही है वो है कि पत्थर जो हमारे आते हैं राजस्थान से, दौसा से आते हैं और अन्य जनपदों से जो आते हैं, उसमें कुछ धीमापन हमें महसूस हो रहा है। इसके लिए हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि वे स्वयं जाएंगे वहां पर और वहां पर देखेंगे कि कितने सीएनसी मशीन्स हैं और किस तरह से व्यवस्था पत्थरों की नकाशी की चल रही है। क्योंकि जैसे ही हमारा, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चरल वर्क सारा कंप्लीट है, जैसे ही वो पत्थर वहां से प्राप्त हो जाएंगे उनको लगा करके पूरा हमारा कार्य यहां पे पूर्ण हो जाएगा। तो मंदिर के परिक्रमा पथ में जो पत्थरों का काम है, क्या ये मई जून तक पूर्ण हो जाएगा? देखिए, हम लोग शीघ्र इस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। जो इसकी तिथि निर्धारित है वो दिसंबर 2023 है। निश्चित तौर पे नियत तिथि से पहले हम लोग सभी कार्यों को पूर्ण करके एक भव्य कॉरिडोर यहाँ पे निर्मित कराएंगे। मंदिर कॉरिडोर के आसपास तमाम ऐसे भवन हैं जो काफी जर्जर हैं और जिससे कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। आपने उसका अवलोकन भी किया है, कुछ आपने पूर्व में कहा था भी, लेकिन आज तक वैसे ही। देखिए, इसमें सारी गलियों में हमारा एक फसाद का कार्य होना है जिसमें उसका सौंदर्यीकरण हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा है, परंतु ऐसे कुछ भवन हैं जिनका सौंदर्यीकरण हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, परंतु उसके लिए भी निर्देशित किया गया है प्रोजेक्ट मैनेजर को कि क्योंकि माता से संबंधित स्थान है तो जब पूरा कॉरिडोर भव्यता से बनेगा तो सभी चीजें सुंदर लगनी चाहिए, तो तब तक बाकी सब चीजों में भी प्लास्टर करके यथासंभव उसको लोगों का सहयोग लेते हुए और स्वयं के संसाधनों से करा के उसको सौंदर्यीकरण अवश्य करा लें।